तुम्हें पता है आज मेरी लॉटरी निकली है। अरे वाह, कितने की निकली है? अबे तुम्हें इतना भी पता नहीं लॉटरी कितने की निकलती है? नहीं, मुझे तो नहीं पता कितने की निकलती है। अबे गधे, चल जाके यूट्यूब पर सर्च कर। यूट्यूब पर कैसे सर्च करें, हम तो सब्जी हैं, हमें तो लिखना नहीं आता और हमारे पास तो मोबाइल भी नहीं है। क्या जिंदगी है साला। अरे कलुआ, वैसे तुम्हारा बात तो सही है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सब लोग टिकटॉक इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं और हम लोगों के पेट भरते हैं, सिर्फ हमें पकाया जाता है। मेरे पास एक आइडिया है तुम्हारे लिए, तुम ऐसा करो सुसाइड करो, तुम भी ख़त्म हो जाओगे, ना ही कोई तुम्हें पकाएगा, हम दोनों मर जाएंगे, आप मरोगे फिर मैं भी सुसाइड कर लूँगा। अबे तुम झूठ बोल रहे हो, पिछली बार भी तुमने भिंडी को ऐसा बोला था और भिंडी ने खुदकुशी की थी, वो तो मर गया और तुमने नहीं किया। अच्छा छोड़ो इसको, वैसे हम लॉटरी की बात कर रहे थे, तो बताओ ना तुम्हारे कितनी लॉटरी आई है? तुमने क्या करना है मेरे लॉटरी का? महंगाई बहुत बढ़ गई है, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। अच्छा तो ये बात है, मुझे लगा तुम्हें क्यों मेरे लॉटरी की फिक्र हो रही है, चल भाग, नहीं है मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा बाप हूँ और बाप को पैसा देना चाहिए, जब बच्चे की लॉटरी निकली है तो बाप को पैसा दे दो, इसमें क्या हर्ज है? अच्छा कितने पैसे चाहिए, अब ये भी तो बता दो ना। ज्यादा नहीं, बस यही 5-6 करोड़। अबे साले, मेरी टोटल लॉटरी 10,000 निकली है और तुम्हें 5-6 करोड़ चाहिए, चल भाग यहाँ से। देखो मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि बाप को पैसे देने चाहिए, बाप को पैसे से नहीं रोका जा सकता, बाप जब चाहे पैसे ले सकता है अपने बेटे से। चलो यहाँ से भागो, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। बाप ऐसे होते हैं जो अपने बेटे से 5-6 करोड़ मांगे।